गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज की क्लास में हम अपने पार्ट एक जिसका हमारा रिवीजन चल रहा था उसकी जो अभ्यास 1.3 उसका आखिरी प्रश्न करेंगे। और जो आखिरी प्रश्न है अभ्यास 1.3 का वो है अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के आधार पर निम्नलिखित संख्याओं को लिखना है। प्रश्न जो दूसरा है अभ्यास है 1.3 इसका जो आखिरी दूसरा प्रश्न है इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के अनुसार क्या करना है। इसमें हमें तालिका के अनुसार हमें संख्याओं में लिखना है। ठीक है, जो प्रश्न आ जाता है प्रश्न कुछ भी आ सकता है। देखो मैं यही प्रश्न नहीं करवा रही हूँ। 4,715,144 है। मैं यहाँ पे आपको इसकी जगह थोड़ा सा चेंज करके करवा दूंगी। जैसे है 18 मिलियन 18 मिलियन इसके बाद 7,005 ये पहला प्रश्न है। ठीक है, इसका उत्तर हम करेंगे अभी। पहले प्रश्न मैं लिख देती हूँ। इसके अलावा 4 मिलियन 2,002,000 300 310। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया, इसका उत्तर भी अभी हम कर लेंगे। प्रश्न क छ सौ एक हजार 255। ये हमारा प्रश्न तीसरा हो गया, इसका उत्तर भी अभी हम करेंगे एक साथ। जो हमारा आखिरी प्रश्न ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 9 मिलियन 820। ठीक है, ये हमारे प्रश्न हो गए। अब हम इसका उत्तर देखते हैं कैसे होगा। पहला जो प्रश्न है 18,107,005। अब एक बार आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्थानीय मान लिखना शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका के अनुसार। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यही होता है इकाई होता है, इकाई दहाई सैकड़ा 1,000 हजार लिखने का मतलब सिर्फ 1,000 है ना, 10,000 फिर उसके बाद मिलियन। अब यहाँ पे देखो 18 मिलियन दो संख्या है ना, 18 एक और 8 होता है, तो ये 10 मिलियन वाली संख्या होगी, तो इसके 10 मिलियन। फिर अब इसके देखते हैं 18 मिलियन, तो 1 यहाँ पे 8 यहाँ पे 18 हो गया, 18 दोनों मिलियन में है ना, 18 मिलियन 18 जो है दोनों के लिए है, 10 मिलियन और 1 मिलियन वाली से 18 मिलियन। ठीक है, इसके बाद 107,000 107 कैसे लिखते हैं, 107 कैसे लिखेंगे, 107। ठीक है, ये तीनों 107,000 तीनों के लिए क्या है, हजार है, तो तीनों का बिल्कुल 10,000 1,000 है ना, एक मिलियन
साथ तीनों हजार से संबंधित है, इसलिए ऐसे हो गया। पाँच, पाँच का आएगा इकाई का अंक है पाँच। अब सैकड़ा वाली संख्या नहीं है और दहाई वाली संख्या नहीं है, तो इसकी जगह हम दो जीरो लगा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो प्रश्न दूसरा है वो आ जाता है चार मिलियन, इसके लिए भी हम ऐसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, एक हजार मतलब दस हजार, सौ हजार, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान्य सौ भी होता है, सौ हजार भी होगा, फिर एक मिलियन, दस मिलियन, दस मिलियन वाली संख्या है तो लिखो वरना लिखो, चार मिलियन, चार मिलियन तो नहीं आ जाएगा, चार मिलियन, मिलियन के नीचे चार लिख दिया, दो हजार तीन सौ, दो हजार। अब देखो दो हजार है, दो वाली संख्या कहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे, दो दो सौ नहीं है ना, दो सौ नहीं है या तीस हजार नहीं है, सिर्फ क्या है दो हजार, तो दो ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये क्या एक हजार में आएगी है ना, दो हजार, दो हजार तीन सौ दस, तीन सौ दस कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे ना सौ हजार वाली संख्या है ना दस हजार वाली संख्या है, इसलिए यहाँ पे ऐसे जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न ग, इसमें भी पहले एक बार ले लिख देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, सौ हजार, ठीक है, और बस छः सौ एक हजार, छः सौ एक, ये तीनों हजार से संबंधित है, छः सौ एक हजार हो गया, दो सौ बच, आखिरी जो प्रश्न है नौ मिलियन आठ सौ बीस, नौ मिलियन में हम पहले ये लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक हजार, दस हजार, सौ हजार, एक मिलियन, ठीक है, तो नौ मिलियन, मिलियन के नीचे नौ लिख दिया, आठ सौ बीस, आठ सौ बीस हजार नहीं है ना, तो आठ सौ बीस का लिखेंगे सैकड़ा में, हम जाके आठ सौ बीस लिख देंगे, ना सौ हजार वाली संख्या है, ना दस हजार वाली संख्या है, ना एक हजार वाली संख्या, इसलिए इनकी जगह हम क्या लगा दिया, जीरो जीरो जीरो, जहाँ पे भी जो भी संख्या नहीं होती उनकी जगह हम ऐसे जीरो लगा देते हैं। सो सब बच्चों को एक बार इनके प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, और ये वाले प्रश्न आपको कॉपी में करना है। थैंक यू।